हेमंत मंत्रिमंडल 2.0 का आज विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ जो है एक अहम दिन था, क्योंकि आज जो है कांग्रेस कोटे से, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से और आरजेडी कोटे से विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। यानी आज हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। जिस तरह से बातें कई दिनों से चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अकेले शपथ लिए थे, उसके बाद किसी ने शपथ नहीं लिया था मोरहाबादी मैदान में जो 28 तारीख को हुआ था, उसके बाद से ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कब होगा। लेकिन आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजभवन में एक आयोजित समारोह में जो है जितने सारे विधायक हैं शपथ ग्रहण कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस कोटे से 4 विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया है, तो वहीं आरजेडी से 1 जो विधायक है मंत्री पद का शपथ लिए हैं। यानी आज कुल 11 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद जो है एक एक कर यहाँ से मंत्री जो है राजभवन से निकले, और राजभवन से निकलने के बाद जो है हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो कई मंत्री जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी जिस वजह से यहाँ पर बातचीत नहीं पाई, लेकिन जो मंत्रियों से जो बातचीत हुई है हम आपको सुनाते हैं। शपथ ग्रहण किया है मैम, क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, राज्य के लोग हमारे प्राथमिकता होंगे, और पहली बात तो इस फैक्ट को एक्नॉलेज करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी इस युवा कंधा में सौंपा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को एक प्रतिनिधित्व मिला है, इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, तो उनके हित में काम करना मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा जो भी विभागीय जिम्मेवारी सौंपी जाएगी उसमें काम किया जाएगा। शिल्पी जी, क्या चुनौतियाँ देख रही हैं? चुनौतियाँ तो रहेंगी, क्योंकि हमारा सरकार है और झारखंड राज्य में हमेशा चुनौतियां रहा है, मगर इस बार का कैबिनेट भी बहुत सशक्त कैबिनेट है। तमाम चीज़ों को, समीकरणों को, अनुभव को, युवाओं को, अनुभवी को देखते हुए कैबिनेट का फॉर्मेशन किया गया है, तो इसका लाभ इस राज्य को ज़रूर मिलेगा। पहला एक्सपीरियंस है आपका शिल्पी जी? पहला एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। तैयार हैं आप? तैयार है, देखिए कोई भी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है, तैयार नहीं रहता है, मगर उसको जब जिम्मेवारी मिलती है तो उसका जिम्मेवारी को समझते हुए उसको डिलीवर करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी में पुराने हैं और वो जो है नाराज चल रहे हैं कि उनको जगह नहीं मिल पाया, नहीं, क्या ऐसी ऐसी नाराजगी के बारे में थोड़ा। तो आप सुन रहे थे मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को, जिनको जो है मंत्री बनाया गया है, आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी और शपथ ले ली है, और उन्होंने अपनी प्राथमिकता को भी बताया है मीडिया के सामने, और कहा है कि आने वाले दिन में जो है एक अच्छे युवाओं के लिए बेहतर जो है कार्य करके दिखाएंगे। इस तरह से आज मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हो गया है। कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए भी एक सुखद खबर है। रांची से जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।